हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ प्रकाश वडवाणा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फ्रॉम सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी। सो टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5। हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता है। ओके, एंड दिस चैप्टर इज अबाउट योर हेल्थ। ओके, एज यू नो दैट आवर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट for us, and if we have to keep our health healthy, our body healthy, then we have to take some certain steps. For that we have to make daily routine, which is important for our good health, because one proverb is there that early to bed and early to rise makes man healthy, wealthy and wise. जल्दी आप सो जाओगे और जल्दी उठ जाओगे, जिससे आप क्या रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। वन प्रूवर्ब इज देयर। सो आप लोग भी सुबह उठ के, आपका भी डेली रूटीन होगा ना, जो आप हर रोज करते हो। सो हियर इन एक्टिविटी 1, 6 बेसिक टिप्स हैव गिवन टू कीप योरसेल्फ क्लीन। शायद आप लोग करते भी होंगे, हम सब करते ही हैं। ओके, सो लुक एट द पिक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट नंबर का पिक्चर जो है उसमें क्या बताया गया है, कट योर नेल्स। सो एवरी डे यू हैव टू कट योर नेल्स। तो क्या होगा कि अगर आप जब खाना खाते हो उस टाइम पे आपके नेल्स में जो भी कचरा है ना वो निकल जाएगा, और अगर ऐसा रखोगे तो उसमें जितना भी कचरा है वो आपके खाने के साथ आपके स्टमक में जा सकता है और आप बीमार हो सकते हो। ओके, सो एवरी डे नॉट बट वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक यू मस्ट हैव टू कट योर नेल्स। ओके, सेकेंड नंबर है वॉश योर हैंड्स। राइट नाउ ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल सिचुएशंस COVID-19 वी आर डूइंग दिस थिंग सो मैनी टाइम्स। Frequently we are washing our hands, है ना, am I right? Yes. जब घर से हम बाहर निकलते हैं और जब वापस आते हैं तब हम हमारे हाथ धोते हैं, खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हम हमारे हैंड्स को वॉश करते हैं, और अभी तो हम सैनिटाइज का भी यूज़ करते हैं। पहले भी बच्चे यूज़ करते ही थे स्कूल में, रिसेस में खाना खाने से पहले भी वो लोग सैनिटाइज यूज़ करते थे। ओके, तो खाना खाने से पहले तो आपको हैंड्स वॉश करने ही हैं और खाना खाने के बाद भी। ओके, तो ये सारी हैबिट आपको अब डाल देनी पड़ेगी, क्योंकि अब नहीं चलेगा। थर्ड नंबर पे है ब्रश योर टीथ एवरी डे। वैसे तो 3 बार ब्रश करना पड़ता है, एक तो सुबह में उठ के और खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद जो जर्म्स रह गए हैं ना वो निकल जाए इसके लिए, और रात को सोने से पहले भी एक बार ब्रश करना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग सुबह में ही करते हैं।
कोई बात नहीं, प्लक्स करके आप सो, रात को जब सोते हो ना उसके पहले प्लक्स करके सो, प्लक्स मतलब कुल्ला करना, कुल्ला करके ही सोना ताकि जो जम्स रह गए हैं ना टीथ के अंदर वो निकल जाए। सो एवरी डे हम लोग ब्रश भी करते हैं, नेक्स्ट डे टेक बाथ, एवरी डे हम लोग नहाते भी हैं ताकि हमारी बॉडी क्लीन रहे, साफ रहे। और समर में तो हम दो बार नहाते हैं, गर्मियों में एक सुबह में और एक शाम को। फिर वॉश योर फेस, फेस को भी 3-4 बार धोना पड़े दिन में, बाहर से अगर आते हैं तो। नेक्स्ट चीज़ है वॉश योर फीट, पाँव को भी, जैसे हम हैंड को वॉश करते हैं वैसे पाँव का भी वॉश अब तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तब जब बाहर से जब घर में आते हो ना तब हाथ तो आप धोते ही हो, साथ में आपको आपके पैर भी धो देने हैं और फेस भी धो देना है। ये 3 चीज़ें कंपलसरी आप लोग आपके डेली रूटीन में डाल ही दो। आप जब बाहर खेलने जाते हो ना, खेलने के बाद आप जब घर में आते हो तब फेस, हैंड्स और फिट कंपलसरी उसको वॉश कर दो, और अगर हो सके तो नहा ही लो, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करते ही हैं बट फिर भी और ज़्यादा हमको अवेयर हो जाना है ये सारी चीज़ों से ताकि हमारी हेल्थ बनी रहे अच्छी। नेक्स्ट है डिस्कस विद फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, शेयर द इंफॉर्मेशन विद टीचर, बट राइट नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद टीचर बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम इन द स्कूल। सो दिस थिंग्स, दिस इंफॉर्मेशंस यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। ओके, फर्स्ट नंबर है डू यू फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स। इफ यू आर फॉलोइंग देन यू हैव टू राइट यस और नो, एंड नॉट फॉलोइंग देन नो, इफ फॉलोइंग देन यस। सेकेंड नंबर, हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स इन अ डे, दैट यू हैव टू राइट देन इफ 3 times, 4 times, 5 times। ओके, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे, दिन में कितने बार ब्रश करते हो वो भी लिखना है वहाँ पे। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ इन अ डे, दिन में कितने बार नहाते हो वो वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस इन अ डे, दिन में कितने बार फेस को वॉश करते हो वो लिखो वहाँ पे। एंड हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट इन अ डे, कितने बार पैर को धोते हो वो भी आपको लिखना है। ओके, सो डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड राइट डाउन द आंसर्स। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी एंड दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस सेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी एक्टिविटी 2, डज इट स्टिंक, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। स्टिल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन गो थ्रू यू यूट्यूब एंड सर्च माई नेम प्रकाश वर्धमाना एन इंग्लिश टीचर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।